हर हर महादेव। एक प्रश्न है कि क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र प्रवर क्या होते हैं। आजकल देखें, खास रूप से वैश्यों की बात करें तो प्रवर किसी को नहीं पता है, और मैं समझता हूं गोत्र भी किसी को नहीं पता है। शाखा शिखा की तो बात छोड़ दीजिएगा, वेद की तो बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने किसी परंपरागत ऐसे गोत्रों को गोत्र मान लिया है जो कि देखने में लगता है कि किसी एक समूह विशेष का नाम है, किसी कारणवशात उसी को वे गोत्र मानते हैं और बोलते हैं। बंसल, कंसल, माहेश्वरी, अग्रवाल, गुप्ता, गुप्त, ये सब नाम अपने रख लिए हैं और इसी को भी अपना गोत्र बतलाते हैं कि हमारे ये गोत्र है ऐसा। ये उपनाम है हंसल बंसल आदि, ये गोयल, ये गोत्र है हमारा। तो ये गोत्र नहीं है, गोत्र तो ऋषि गोत्र ही होते हैं और ऋषि ही प्रवर होते हैं। तो इनके क्या गोत्र प्रवर होंगे, वेद की शाखा क्या होगी? जब शाखा ही नहीं पता है तो किसके अनुसार क्या, किस शाखा के अनुसार इनका उपनयन होगा, किस शाखा के अनुसार संस्कार होंगे, किस शाखा के अनुसार विवाह आदि कृत्य होंगे। तो द्विजत्व के जो चिन्ह हैं, जिन कारणों से आप द्विज हैं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग द्विज जिन कारणों से कहलाते हैं, वो उसका कुछ पता ही नहीं है। हम क्यों द्विज हैं, द्विजन्मा क्यों हुए हैं। ब्राह्मणों के कहीं कहीं परंपरागत या जैसे तैसे टूटे फटे अविधि पूर्वक मतलब यज्ञोपवीत हो रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय वैश्यों के तो हो ही नहीं रहे। क्यों? आप भी तो द्विज हैं, तो आपको उपनयन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धंधा करते रहेंगे, आप पैसा कमाते रहेंगे और बस सेठ जी बन जाएंगे, हो गया काम। आजकल जो पैसा कमा ले वो सेठ जी और भी बनना है, फिर पता ही नहीं रहेगा तुमको, उन्हीं के बच्चों को अपनी बेटियां विवानी पड़ेंगी, जिस पे पैसा होगा बस वही सेठ है। ठीक है, इसलिए आपको सुधरना चाहिए, अपने वेद की शाखा का ज्ञान रखिए, अपने गोत्र प्रवर का ज्ञान रखिए और अपने बच्चों के संस्कार अवश्य करवाइए। उपनयन आपको अधिकार है। जिन लोगों को बड़ी विडंबना है, जिन लोगों को जिन जातियों में यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, वे चेष्टा करके यज्ञोपवीत पहन रहे हैं और कुछ उनका पालन कर रहे हैं, जबकि उनके लिए वो सब करना निषिद्ध है। और जिनके लिए विधान किया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए, वे अपने बालकों का उपनयन नहीं करा रहे हैं। कितने पैसे से डर रहे हैं, क्या कितना लोभ जो है प्रकट हो गया, शास्त्रों से अश्रद्धा हो गई कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, यहां तक अपना गोत्र प्रवर इत्यादि भूल गए। तो देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के क्या क्या गोत्र होने चाहिए। मुख्य रूप से अभी बतला रहे हैं निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद के पूर्वार्ध में गोत्र प्रवर का निर्णय बतलाते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि क्षत्रिय वैश्यों के क्या गोत्र होना चाहिए उसको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं, कोई शंकास्पद बात नहीं, वे कह रहे हैं सर्वमतेन सर्व सिद्धांत, जो सबका सिद्धांत, सभी सर्वमान्य है, सभी आचार्य गण, स्मृतिकार, निबंधकार जिसको स्वीकार करते हैं वो बतलाया जा रहा है। आजकल केवल आप लोग ही स्वीकार नहीं करते, बाकी के शास्त्र सब यही कहते हैं जो मैं बतला रहा हूं। देखिए क्षत्रिय वैश्योस्तु पुरोहित गोत्र प्रवरा वेवेति सर्व सिद्धांत, ये लिखा हुआ है कि क्षत्रिय वैश्योस्तु, क्षत्रिय और वैश्यों के तो पुरोहित गोत्र प्रवरौ एव, पुरोहित के जो उनके पुरोहित हैं, उनका पुरोहित जी का जो गोत्र है वही उनका गोत्र है और वही वे ही उनके प्रवर हैं और वही वेद की शाखा शिखा पाद सब कुछ वही है जो पुरोहित हैं।
अब पता ही नहीं हमारे कौन पुरोहित हैं, कौन छोड़ छाड़ करके बाजार में घुस गए, आज उनको बुलाया कल उनको बुलाया, कल को कुछ किया कल कुछ भी कर लिया, कोई पता नहीं आपके कौन पुरोहित हैं। तो जो किसी किसी को ऋषि गोत्र पता है क्षत्रिय वैश्य को, तो वो ही कहता है जो पहले उनके कोई पुरोहित रहे होंगे तो उनका जो गोत्र है उसी गोत्र को कह करके वे लोग अपना गोत्र कह रहे हैं। परंतु वो आचार्य कहाँ हैं, उनके उनके पुरोहित जी कहाँ हैं? देखिए महाभारत में, महाभारत में आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर जी जो है द्यूत क्रीड़ा में हार गए, छल से ही हार गए, और दुर्योधन इत्यादि जीत गए। निर्णय ये हुआ कि भाई तुमको जो है वनवास जाना पड़ेगा 12 वर्ष का, 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए आपको जाना पड़ेगा। और तो इस नियमानुसार दुर्योधन को राज्य मिल गया और पांडव द्रौपदी के साथ में वन में भटकने लगे। तो वहां वन उनके जो पुरोहित जी थे, कुल पुरोहित, वो पुरोहित तो यहीं रह गए जिनका नाम था कृपाचार्य, आचार्य कृप, तो आचार्य कृप तो यहीं रह गए यानी हस्तिनापुर में रह गए। तो अब वो जब युधिष्ठिर जी गए तो वहां व्यवधान होने लग गया, बोले अब हम तो पुरोहितहीन हो गए। तब वहां बड़ा उनको बहुत ही विघ्न आने लगे, तब उनको पता चला कि आपको पुरोहित नहीं है भगवान की कृपा से। तब उन्होंने आचार्य धौम्य को अपना कुल पुरोहित बनाया, तो तब उनके विघ्न जो है शांत हुए और आगे उन्हीं की कृपा से फिर उन्होंने अपना राज्य भी प्राप्त किया। और राजा परीक्षित के भी समय पर आचार्य कृप और धौम्य दोनों ही उनके कुल पुरोहित रहे और दोनों को ही उन्होंने सम्मान किया और उनको रखकर के यज्ञ अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किए और सदगति को भी प्राप्त किया। तो ये पुरोहितों का जो है महत्व है। तो यहां तक क्षत्रिय और वैश्यों के जो गोत्र का निर्णय है, आप लोग संकल्प करें या संस्कार करवा में करें, विवाह आदि में जो मनाएं देखें, वो गोत्र क्या होना चाहिए, आप अपने आचार्य का गोत्र ले में। तो अगर किसी को आचार्य अपने पुरोहित का गोत्र नहीं पता है, पुरोहित ही नहीं पता है, तो विधिवत अपने पुरोहित का वर्ण करें। जो ज्ञानी है, जो इन कार्यों को करने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनको इस कार्य का ज्ञान है, उनको वर्ण करें और उनके आगे पुत्र इत्यादि को, पुरोहित के पुत्र इत्यादि को भी वेद इत्यादि का ज्ञान रखना चाहिए, अपने जो यजमानों का भी ज्ञान ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया रामचरितमानस में यज्ञोपवीत कौन करे, कौन अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत करे, इसमें पुरोहित का भी जो अधिकार है। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, पितु माता तो है ही, माता पिता अपने पुत्रों का उपनयन करें ही, लेकिन गुरु का भी इसमें अधिकार है। अगर वो भूल जाए तो बतलाव है कि आपको ये संस्कार करवाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और लोगों को भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी किसी लोभ के कारण कह रहे हैं कि भाई आप जो है ये करवाइए, श्राद्ध करवाइए या संस्कार करवाइए, नहीं, वो अपने दायित्व से कहें। अब वो फिर नहीं करता तो फिर वो जाने। तो इस प्रकार जिन क्षत्रिय वैश्यों के अगर पुरोहित नहीं है तो विधिवत वे पुरोहित का वर्ण करें और समर्थ पुरोहित का गोत्र, प्रवर, शाखा, शिखा, वेद इत्यादि को ग्रहण करें और उसी के अनुसार फिर विवाह इत्यादि करें। अपनी जो कुल परंपरा है उसका भी निर्वाह करें। ये क्षत्रिय वैश्यों के लिए ये जो है गोत्र प्रवर का निर्णय है। जिन ब्राह्मण इत्यादि को भी अपना गोत्र प्रवर पता नहीं है तो वे लोग क्या करें कि वे लोग भी अपने गुरु जिन्होंने उपनयन करवाया है उनका ही जो है गोत्र प्रवर इत्यादि ले ले। देखिए स्वगोत्राज्ञाने विचारः, स्वगोत्राज्ञाने तु सत्यासाढ़, आचार सत्यासाढ़ कहते हैं कि अथा ज्ञान बंधो पुरोहित प्रवरेण आचार्य प्रवरणे प्रवरेण वा इति, अपने पुरोहित प्रवर से और पुरोहित का प्रवर इत्यादि ज्ञान न हो, या पुरोहित को ही नहीं पता हो अपना, या पुरोहित का हमें पता नहीं हो, तो कहते हैं आचार्य प्रवरेण वा, तो अपना विवाह संस्कार इत्यादि आचार्य के प्रवर से आचार्य को वर्ण करें और आचार्य के ही गोत्र
यानी जिन्होंने यज्ञोपवीत करवाया है वो है आचार्य, जिन्होंने आपका उपनयन करवाया है और उनका जो गोत्र प्रवर शिखा शाखा है उसी को आप स्वीकार करें। आचार्य गोत्र प्रवनान अभिज्ञस्तु द्विजः स्वयं आत्मानं तु कस्मैचित् दत्वात्मानं तु कस्मैचित् गोत्र प्रवरो भवे। आचार्य गोत्र का भी ज्ञान न हो, आचार्यों को नहीं पता हो, पुरोहित को भी नहीं पता हो अपना गोत्र इत्यादि, तो वो द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही क्या करें कि दत्वात्मानं कस्मैचित् अपने आप का किसी को दान कर दे, किसी समर्थ आचार्य को जिसको ये पता हो अपनी परंपरा से वेद शाखा शिखा है ना और प्रवर इत्यादि का ज्ञान हो उसको अपने आप को दे करके और उनका ही गोत्र प्रवर शाखा शिखा इत्यादि को स्वीकार करें। दत्वात्मानं कस्मैचित् तद गोत्र प्रवरो भवे इति निर्णय सिंधु, ये निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, इसमें कोई हमारा मत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं और निर्णय सिंधु भी आपके सभी के हमारे सभी के पूर्वजों के ही बनाए हुए हैं और ये निबंध ग्रंथ है और ये हमारे शास्त्रों का सार है, इसको हम सभी को स्वीकार करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए, इसी में जो है वेदों की मर्यादा है, इसी से सभी का कल्याण होगा और यही वैदिक मार्ग है यही सनातन धर्म है। और मनमानी करना, उसको भूल जाना, अपना चाहे जो गोत्र प्रवर कहना उसी से विवाह आदि करना और चाहे कुछ बोल करके संकल्प करके अपने अनुष्ठान यज्ञ आदि करवाना, वो सब उनका फल आपको मिलने वाला नहीं है, ये शास्त्र ही कहते हैं। क्योंकि अगर आपका एड्रेस गलत होगा, आपका पता गलत होगा, परिचय गलत होगा, तो आपका कभी भी संदेश आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये जो हम संदेश भेजते हैं कि हम जो जप कर रहे हैं, इस गोत्र वाला, इस नाम वाला यहाँ बैठ करके ये जो अर्चन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजन कर रहा है, जप संस्कार इत्यादि कर रहा है, तो ये सब काल भी भगवान का स्वरूप है और समय स्थान भी भगवान का स्वरूप है, तो ये सब भगवान के यहाँ दर्ज होता है और इसी को मीमांसक लोग अपूर्व कहते हैं और उसका फिर वो जो है फल प्राप्त होता है। और जब हमारा गोत्र ही हमको पता नहीं, शाखा ही पता नहीं, शिखा पता नहीं, कुछ भी पता नहीं और अविधि पूर्वक अनियम अकाल में अस्थान में ये कार्य किए जाएंगे तो उसका कोई भी फल नहीं होगा। हर हर महादेव।